हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। आज की इस नई वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे सोलर सिस्टम के बारे में जो बहुत छोटा है और बहुत कम प्राइस में है। तो आज की इस वीडियो को पूरा स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए। हमारी शॉप का जो एड्रेस है वो जिला पीलीभीत में सिटी पूरनपुर में आप आराम से आ सकते हो और ले जा सकते हो। मदार बैटरी के नाम से हमारी शॉप है। दोस्तों, ये सेट जो है वो हम आज की इस वीडियो में लगाएंगे 15 और 15 3000 रुपये का, जिसमें एक बैटरी होगी और एक सोलर पैनल होगा। इससे आप अपने घर का फ़ोन चार्जिंग कर सकते हो, बैटरी वाली लाइटें जो आती हैं फंटी वगैरह वो जला सकते हो, और उसके साथ साथ एक बैटरी वाला फ़ैन या तो आप दिन में चला सकते हो या फिर रात में। दोनों मतलब रात और दिन नहीं चल पाएगा, या तो 8 घंटे चलेगा या रात में या फिर दिन में। तो इस वीडियो को पूरा स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए। अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना, लेकिन पूरा ज़रूर देखना। मैं वीडियो को स्टार्ट करने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। अगर आप लोग यहाँ पर नहीं आ पाते हो, लेने नहीं आते हो, तो आप जहाँ से खरीदोगे, अगर आपके पास नॉलेज होगी, जानकारी होगी, तो आप आसानी से अच्छी चीज़ खरीद सकते हो जो आपको सही रेट में अच्छी चीज़ मिल पाएगी। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जिस सेटअप की मैं बात कर रहा था, जो पैनल और बैटरी की मैंने अभी बात बताई आपको, वो यही है। और हम इसकी कंपनी आपको बताते हैं और नंबर एम्पियर वगैरह क्या है वो बताते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि समझाएंगे पूरा, ये एक्सल लाइट की बैटरी है, सोलर बैटरी। इस पे आप जो है वो 110 वाट का पैनल भी लगा सकते हो, और 75 वाट का भी, और 55 वाट का भी, और 40 वाट का भी। ये एक्सल 25 एम्पियर है, 12 महीने तक इसकी जो कोई भी फॉल्ट आएगा तो नई मिलेगी। इस बैटरी की कीमत हमने लगाई है 1500 रुपये, हो सकता कहीं ज़्यादा हो कहीं कम हो। और उसकी जगह पर ये एक्सल लाइट की जगह पर कोई भी कंपनी हो सकती है, और 25 एम्पियर की जगह 20 एम्पियर या 30 एम्पियर भी हो सकती है। लेकिन रेट इसका या तो 1500 या 1450 या 1550 या 1600, इससे ऊपर इस बैटरी का रेट नहीं है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, बैटरी खरीदें तो यहाँ पर लिखा हुआ है जुलाई 2024, तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट जो है वो ज़रूर देख लें, और इसमें एसिड है या नहीं है उसका भी ज़रूर चेक कर लें। इसमें दोस्तों ओके है इस टाइम सब कुछ, और यहाँ पर प्लस से ये लाल है और यहाँ पर माइनस से ये काला है। आप अपने घर पर आराम से कनेक्शन कर सकते हो। बैटरी जो कार में लगती है उसी साइज़ की है, जो अल्टो में लगती है 35 एम्पियर, उसी साइज की है, लेकिन ये उस कार को स्टार्ट करने के लिए नहीं है, ये लाइट वगैरह छोटे काम के लिए है। अब हम बात कर लेते हैं सोलर पैनल की। ये है डी लाइट कंपनी का सोलर पैनल, जिस कंपनी की ये बैटरी रखी है। उसके बाद में ये है DLS P55 वाट पावर, मतलब कि 55 वाट का ये सोलर पैनल है। मैन्युफैक्चरिंग ईयर जो है वो 2024 है, मेड इन इंडिया, और उसके साथ में इसका सीरियल नंबर लिखा हुआ है, मार्च 2024 में ये मैन्युफैक्चरिंग हुआ है। अब हम दोस्तों इसका बात करते हैं बैक साइड में कि कितने एम्पियर इसकी चार्जिंग है, इसका क्या करंट है, कितने वोल्ट ये देगा। सबसे पहले हमें एक गारंटी कार्ड मिलता है जो कि अवश्य ले लेना चाहिए, और आप इसको घर पर लाकर आराम से कनेक्शन कर सकते हो। यहाँ पर लिखा हुआ है प्लस जो कि लाल है, और यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस जो कि काला है। ये खुलने के बाद अंदर पेच में तार कस जाएगा बहुत आसानी से। मैक्सिमम पावर इन वाट्स 55 वाट का ये जो है पैनल है। और अगर हम इसकी चार्जिंग की बात करें तो शॉर्ट सर्किट जो है वो इसका है 3.16 एम्पियर, और अगर हम इसकी बात करें करंट एट मैक्सिमम 2.9, यानी कि 3 एम्पियर ये चार्जिंग लिखा हुआ है, लेकिन ये 2 एम्पियर से 2.5 एम्पियर तक आपके बैटरी को चार्ज करेगा, जो कि बहुत अच्छी चार्जिंग है इस बैटरी के लिए। दोस्तों, मैं आपको समझाने के तौर पे बताऊं कि एक छोटी मोटर वाला फ़ैन जो है वो 2 एम्पियर से 2.2 एम्पियर तक लोड लेता है, जो कि ये पैनल आराम से चला पाएगा धूप में। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी और दे देता हूं, हमारी इन्वर्टर बैटरी की शॉप है, जो भी नॉलेज होती है हम आपको वीडियोस के माध्यम से देते रहते हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और ये 3000 रुपये का आपको मिलेगा। ये अगर डी लाइट कंपनी का है, किसी और कंपनी का भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन 50 वाट का होना चाहिए, या 45 वाट का, या 55 का, या 60 का, इससे ज़्यादा या ऊपर या नीचे नहीं होना चाहिए। वैसे आपके बजट के ऊपर है, आप कितना भी खरीद सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आप लोगों को ये सेटअप कैसा लगा? 3000 रुपये का है। अगर आप नहीं आना चाहते हो तो जहाँ खरीदने वाले हो वहाँ पर ख़रीद लेना, बस यही होना चाहिए। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो, जानकारी वाली लगी हो, तो कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ ज़रूर लिखें, मैं उसको ज़रूर पढ़ूंगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।